हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग मेडिकोस। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे एग्जाम के लिए फार्मास्यूटिक्स सेकेंड के, तो इसमें मैं नोट्स शेयर कर रही हूँ। तो सिंपली आप देखकर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेव कर सकते हैं और सीधा पढ़ सकते हैं, या फिर देखकर इसे कॉपी कर खुद नोट्स बना सकते हैं। तो बहुत साफ सुथरे और ईजी नोट्स हैं। और जो चूँकि लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस हैं, तो मैंने कुछ को लॉन्ग और कुछ को शॉर्ट रखा है, क्योंकि इसकी डिटेल्स आप खुद लिख सकते हैं और मैं उसे एक्सप्लेन कर दूँगी ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो ये नोट्स बिल्कुल भी फ्री है स्टूडेंट्स। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, और इसके अलावा नोट्स भी आपको मिल रहे होंगे, लेकिन वो पीडीएफ है या कहीं कहीं पर आपको पे करना पड़ता है उन नोट्स के लिए, लेकिन ये बिल्कुल फ्री है, तो आप के लिए एडवांटेज है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पोसोलॉजी क्या है। डिफाइन पोसोलॉजी, ब्रीफली डिस्कस वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्सेशन ऑफ डोजेस। तो पोसोलॉजी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितने भी हम टर्म्स पढ़ते हैं, मेडिकल टर्म्स पढ़ते हैं, वो ग्रीक वर्ड या लैटिन वर्ड होते हैं। तो ये ग्रीक वर्ड है जिसके दो पार्ट हैं, पोसोस प्लस लॉगोस। तो पोसोस का मतलब होता है कि मेनली जो डोजेस और क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन, जो ऐसी जो मेडिसिन की जो डोज जो दी जाती है, जिससे हमें जो डिजायर्ड जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मिल सके, या जो हम मेडिसिन का जो इफेक्ट चाहते हैं वो मिल जाए, तो उसको हम कहते हैं पोसोस। तो इसकी जो स्टडी होती है, इसके बारे में जो हम पढ़ते हैं, उसे कहते हैं पोसोलॉजी। तो ये डिफिनेशन आप याद कर लें। इसके बाद देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं फिक्सेशन ऑफ डोजेस को, मतलब हमें कितना डोज देना है, ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो देखिए, सबसे पहला है एज। तो एज का मतलब सिंपली चिल्ड्रन, अडल्ट और जो है ओल्ड एज, तीन हम एज में डिवाइड करेंगे। जैसे बच्चे, आप जानते हैं कि उन्हें कम डोज की ज़रूरत होती है। एडल्ट में एक एवरेज डोज बनाया गया है पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। इसके बाद ओल्ड एज में भी हम देखते हैं कि कम जो है डोजेस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बॉडी वीक होती है। इसके बाद हम देखते हैं वेट। तो पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से जो हम डोजेस डिसाइड करते हैं, तो वेट ज़्यादा है तो एक ही एज के लोगों को डोज अलग भी हो सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं जेंडर, मेल और फीमेल। तो फीमेल्स में मेल्स के कंपैरिजन में जो है डोजेस हमें कम देने पड़ते हैं। फीमेल्स वीक भी होती हैं, तो उसे भी हमें देखना पड़ता है। इसके अलावा जो है फीमेल्स में मेंसेस जो आते हैं, जो मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है, तो उसे भी हमें देखकर कुछ मेडिसिन देनी होती है। इसके बाद हम देखते हैं क्लाइमेट, मौसम जो है, अगर समर का सीज़न है या विंटर सीज़न है, तो डोजेस अलग अलग देनी पड़ती है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो समर सीज़न में या गर्मियों के सीज़न में उसकी डोजेस हमें कम करनी पड़ती है, क्योंकि उससे प्रॉब्लम हो जाती है पेशेंट को। ये जनरल आम भाषा में आप समझ सकते हैं, सिंपली अपने दिमाग से आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो बिफोर मील, आफ्टर मील, कौन सी दवा डोज खाने के पहले देनी है, कौन सी बाद में देनी है। इसके अलावा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, तो ओरल देना, आईवी, आईएम। तो जैसे हम जानते हैं कि आईवी जो है वो सबसे फास्टेस्ट काम करता है, इंट्रावेनस रूट से देते हैं और उसका एब्जॉर्प्शन भी मैक्सिमम होता है। इसके अलावा जो है आईएम इंजेक्शन या फिर ओरल या अदर फॉर्म है, तो उसके हिसाब से उसका इफेक्ट होता है। तो इस तरीके से जो है ड्रग की डोजेस डिपेंड करती है। आईवी में हमें कम से कम डोजेस में फास्टर रिजल्ट मिलता है, क्योंकि उसका फुल एब्जॉर्प्शन होता है, जबकि ओरल में बहुत सारी मेडिसिन का कुछ पार्ट जो है एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो ये रही ये क्वेश्चन, हालांकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको और भी डिटेल में लिखनी होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इसे समझा दिया। इसके बाद हम देखेंगे क्लासीफाई सॉलिड डोजेस फॉर्म, राइट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पाउडर। तो सॉलिड डोजेस फॉर्म आप देखेंगे कि इसको मेन दो फॉर्म में, यूनिट डोजेस में और बल्क डोजेस में डिवाइड किया है। यूनिट डोजेस में टैबलेट, कैप्सूल, ग्रैनुल्स, सैचेट, लोजेंसेस, पिल्स, ड्राई पाउडर, इनहेलर्स, च्यूएबल्स बताए गए हैं। इसके अलावा बल्क डोजेस में पाउडर है, जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल पाउडर बताए गए हैं। तो इसकी डिटेल्स आप लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आपको ये जानकारी तो होगी, थोड़ी थोड़ी डिटेल्स आप दो दो लाइन की लिख सकते हैं, तो इससे क्वेश्चन लॉन्ग टाइप बन जाएगा। और इसके बाद जो है, अगर आप डिटेल इसका जानना चाहते हैं, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, तो उसमें मैंने इनकी डिटेल्स बताई हैं। मैं उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसे देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम अगला पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन का अगला पार्ट है एडवांटेज ऑफ पाउडर। तो एडवांटेज ऑफ पाउडर में हम देखेंगे कि पाउडर के क्या क्या फ़ायदे हैं। जैसे पाउडर्स आर फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल व्हेन कंपेयर टू लिक्विड डोजेस फॉर्म। पाउडर डोजेस फॉर्म इज लेस प्रोन टू माइक्रोबियल कंटामिनेशन, चूँकि सूखा होता है। सिंपल सी बात है, आम भाषा में अगर हम समझें, कोई सूखी चीज़ है वो जल्दी ख़राब नहीं होती, या कोई लिक्विड है उसको ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, उसके कंटामिनेशन के चांसेस रहते हैं। ईजियर मोड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में क्लास डोज इज वेरी लार्ज, हमें ज़्यादा मात्रा में डोज देना, जैसे हमें कहीं बॉडी पर कोई पाउडर यूज़ करना है तो हमें आसानी से पाउडर हम छिड़क सकते हैं, जबकि हमें अदर फॉर्म में दिक्कत होती है। जबकि इट इज़ वेल एक्सेप्टेड बाई जीरियाटिक एंड पीडियाटिक
डिहाइड्रेटेड पेशेंट, तो बच्चे जो हैं उनको पाउडर बना दिया मेडिसिन का, उसमें चीनी मिलाकर दे दिया, तो बच्चे आसानी से खा जाते हैं। इसी प्रकार जीरियाटिक जो बूढ़े पेशेंट होते हैं, वो जो टैबलेट नहीं निकल पाते, जिनके पास दांत नहीं होते या फिर निकलने में दिक्कत होती है, तो ये सारे एडवांटेज है। इसके अलावा जो रेट ऑफ डिजोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन इज फास्टर इन पाउडर डोजेस फॉर्म व्हेन कंपेयर्ड टू अदर सॉलिड डोजेस, तो ये सारे फायदे हैं पाउडर के। इसके अलावा नुकसान क्या है, नुकसान हम देखें डिसएडवांटेज में डिफ़िकल्टी, देखिए स्टूडेंट्स बहुत क्लियर नोट्स हैं, आप इसको सेव कर ले। डिफ़िकल्टी इन हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट ड्यू टू बल्किनेस, ज़्यादा मात्रा में होता है इसलिए डिफ़िकल्टी होती है। इसके बाद दे आर नॉट इजिली ट्रांसफरेबल फ्रॉम ए कंटेनर एंड मे स्पिल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड पैकेजिंग इज टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में पाउडर होता है तो हमें इसे डिब्बे में प्रिपेयर करना है टाइम। एक कैप्सूल और टैबलेट को इजिली मशीन से पैक किया जा सकता है, जबकि इसमें ये दिक्कतें आती हैं। ड्रग सब्सटेंसेज डॉट आर हैविंग एन अनप्लीजेंट टेस्ट आर नॉट सुटेबल टू एडमिनिस्टर इन पाउडर फॉर्म, जैसे कड़वी मेडिसिन है तो उसको जो है अगर टैबलेट फॉर्म में कोई शुगर कोटेड बना ले तो ज़्यादा ईजियर होगी, जबकि पाउडर का टेस्ट अच्छा नहीं होगा तो पेशेंट को लेने में दिक्कत होगी, अनप्लीजेंट होगा। तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज है या नुकसान है। तो सब्सटेंसेज डेट और हाइग्रोस्कोपिक डेलिक्यूशन वोलाटाइल एंड ऑक्सीजन सेंसिटिव आर नॉट सुटेबल टू बी एडमिनिस्टर्ड इन पाउडर फॉर्म। पाउडर फॉर्म में कभी कभी आप देखते हैं बोल जो आम भाषा में देखें कि नमी लग जाती है, तो कुछ मेडिसिन ऐसी है जो जल्दी हवा के संपर्क से खराब हो जाती है, तो या फिर पानी से चांसेस मॉइस्चर से खराब होने के चांसेस हैं या वातावरण से रिएक्ट करती है, तो ये सारे जो है इसके डिसएडवांटेज हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, डिस्कस प्रॉब्लम एंड रेमेडीज ऑफ पाउडर एज सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो प्रॉब्लम और रेमेडीज का मतलब है कि जो पाउडर हम बनाते हैं सॉलिड डोज फॉर्म बनाते हैं, तो उसको बनाते समय हमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज देखने पड़ती है, देखने को मिलती है, और उन प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है। तो कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हाइग्रोस्कोपिक एंड डेलिक्यूशन पाउडर प्रॉब्लम, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं एयर से, जो गीले होने के चांसेस, जिसमें नमी पकड़ने के चांसेस हैं, तो उन पाउडर्स के लिए हमें ये इन प्रॉब्लम में हमें क्या सलूशन मिलता है। तो सलूशन में कई सलूशन दिए हैं, ए बी सी डी चार सलूशन मैंने बताए हैं, आप देख सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट है अप्लाइड इन ए ग्रेनुलर फॉर्म टू डिक्रीज द एक्सपोज सरफेस टू एयर, पैक्ड इन एल्युमिनियम फॉयल और इन प्लास्टिक फिल्म पैकेट्स, एडिशन ऑफ लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड टू रिड्यूस द टेंडेंसी, ये आपको याद करना होगा टेंडेंसी टू डैम, एडिशन ऑफ एब्जॉर्बेंट मटेरियल सच एज स्टार्च हैलाइड सॉल्ट कंटेनर फ्लोर, तो ये सारी चीज़ें हैं। एक तरीके से कुछ ऐसे केमिकल हम मिला देंगे जिसकी या फिर उसकी पैकेजिंग ऐसी करेंगे कि उसमें नमी ना लगे। तो ये पहला प्रॉब्लम था नमी वाली और उसका सोल्यूशन कि हमें क्या उसे मिक्स करना है, किस तरीके से उसकी पैकिंग करनी है, दो चीज़ें। तो ये सोल्यूशन चार हैं। इसके बाद देखेंगे इफरवेसेंट पाउडर, तो कुछ ऐसे पाउडर हैं ना जो जैसे आप पानी में डालते हैं तो वो झाग जैसे निकलने लगता है, वो इफरवेसेंट कहलाता है, इफरवेसेंस। तो हम देखेंगे क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस विच ड्यूरिंग स्टोरेज लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड चेंज टू पाउडर, द लिबरेटेड वाटर कन्वर्ट द पाउडर टू पेस्ट और ए लिक्विड। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, जैसे एलम का हम देखते रहे एग्जाम्पल दिया मैंने, एट्रोपिन सल्फेट सिट्रिक एसिड क्लोरीन फॉस्फेट, तो इसका सोल्यूशन क्या है कि यूजिंग द एनहाइड्रस फॉर्म एंड ट्रीटिंग इट इन अ मैनर सिमिलर टू हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। तो सिंपली जो हाइग्रोस्कोपिक पाउडर में हमने जो सोल्यूशन देखा था उसी तरीके से हमें ट्रीट करना है, कुछ ऐसे केमिकल्स मिला देने हैं जिससे वो स्टेबल रहे। इसके बाद थर्ड प्रॉब्लम है, कुल मिला के प्रॉब्लम ये है कि उसको स्टेबल करने के लिए ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन ताकि वो चल सके, ख़राब ना हो, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो उसके लिए जो सोल्यूशन है ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, इस क्वेश्चन में हमें लिखना है। तो प्रॉब्लम्स इनकाउंटर्ड इन पाउडर फॉर्मुलेशन, तो पाउडर फॉर्मुलेशन में और क्या प्रॉब्लम आती है, पोटेंट ड्रग प्रॉब्लम, जैसे कोई पोटेंट ड्रग है जिन्हें हमें कम मात्रा में देना है, लिमिटेड प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ यूज्ड बैलेंसेस टू वेट स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंट ड्रग, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। तो इसमें सोल्यूशन क्या है, ड्रग ट्राइचुरेट्स तो सुटेबल डाइल्यूएंट्स लाइक लैक्टोज आर मिक्स्ड विद पोटेंट ड्रग्स टू फॉर्म 10-20% वेट बाई वेट ड्रग ट्राइचुरेट्स। सेकेंड है वेरी फाइन पाउडर शुड बी यूज्ड इन ट्राइचुरेट्स ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन टू प्रिपेयर ड्रग। इसके बाद हम देखते हैं इनकम्पैटिबल सॉल्ट प्रॉब्लम, केमिकली इनकम्पैटिबल सॉल्ट प्रॉब्लम्स, केमिकल जैसे जिससे हम दो पाउडर्स को मिलाते हैं, अलग अलग केमिकल्स को मिलाते हैं, तो अगर वो साथ में मिलने के बाद डिस्क उसका कलर चेंज हो जाता है या उसकी पोटेंशी कम हो जाती है, तो कुछ प्रॉब्लम होते हैं जो इनकम्पैटिबल होते हैं दूसरे के साथ। तो इस प्रॉब्लम में क्या करना है, कंपाउंडिंग सच सब्सटेंसेस विथ मिनिमम प्रेशर, यूज़ अ कन्वीनियंट मेथड फॉर मिक्सिंग द पाउडर लाइक टम्बलिंग इन अ जार आर स्पेशलेशन आर ए सीट ऑफ पेपर, ई सब्सटेंस शुड बी पाउडर सेपरेटली, अलग अलग पाउडर हमें रखना है कि बाद में यूज करते हैं मिक्स करना है। इसके बाद देखते हैं एक्सप्लोसिव मिक्सचर प्रॉब्लम, एक्सप्लोसिव मिक्सचर बनाया एक्सप्लोड हो गया,
का सलूशन क्या है कि कम्युनिट ईच सॉल्व सेपरेटली सब्जेक्ट टू मिनिमम प्रेशर। तो मोटर में जैसे ही उनको रिड्यूसिंग एजेंट के साथ मिलाते हैं, सैचुरेट करते हैं, तो एक्सप्लोड हो जाते हैं। तो ऐसे केस में हमें ये सोल्यूशन देखना है। इसके बाद हम देखते हैं इफर्वेशेंट पाउडर। तो इफर्वेशेंट पाउडर जो है मेनली जो है ना मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एंड एल्कलीज जो है अगर मिलाते हैं तो उनमें इफर्वेशेंस होता है या एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जैसा कि आप देखें इफर्वेशेंस कैसे हमें समझ में आएगा, तो जैसा कि आपने देखा होगा इनो को जब हम पानी में डालते हैं तो किस तरीके से घुलता है, तो उसको बोलते हैं इफर्वेशन। तो इसी तरीके से कुछ पाउडर्स होते हैं तो जिनको मिलाते हैं आपस में तो इफर्वेशेंस होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि उनको सेपरेट पैकेज में पैक करना है। तो बहुत सारे जो जितने भी प्रॉब्लम्स थे उन सबका सोल्यूशन ये था कई सारे में कि अलग अलग हमें मिलाना है या अलग अलग उन्हें पैक करना है और यूज़ करते समय उन्हें जो है जिस तरीके से बताया जाता है उस तरीके से यूज़ करना है। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन, डिस्कस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो स्टूडेंट्स मैं इसका जो है मैंने इसका नोट्स नहीं बनाया है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, क्योंकि इस पर ऑलरेडी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर और जिसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप उस वीडियो को देख लें और ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। रिटन पोर्शन से ज़्यादा उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो ये टॉपिक समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं डिफाइन सपोजिटरी। तो सपोजिटरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस इन डिटेल वेरियस सपोजिटरी बेसिस यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज। सबसे पहले देखेंगे सपोजिटरी क्या है। तो सपोजिटरी क्या है कि ऐसी प्रिपरेशन जो कि सॉलिड या सेमी सॉलिड हो सकती है और जिन्हें हम बॉडी कैविटी में इंसर्ट करते हैं अदर देन माउथ। तो माउथ के अलावा हम किस रूट से दे सकते हैं, एनल रूट से दे सकते हैं, फीमेल्स में वजाइनल रूट से दे सकते हैं, यूरिनरी रूट से दे सकते हैं, समटाइम्स जो है नेजल कैविटी से भी दिया जाता है। तो इनका एडवांटेज क्या है कि ड्रग्स आर रैपिडली एब्जॉर्ब इन रेक्टम म्यूकोसा और विदाउट आयनाइजेशन और ड्रग्स सेंसिटिव टू एसटीपीजेस कैन बी एडमिनिस्टर सेफली। जैसे अगर हम ओरली देते हैं तो जो गैस्ट्रिक पीएच है उसकी वजह से कुछ ड्रग्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होने के चांसेस रहते हैं उनकी प्रॉपर्टी। तो अगर हम अदर रूट से देते हैं तो गैस्ट्रिक पीएच से उसका इंकाउंटर नहीं होता है और जो है वो इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके बाद नॉन सेडेटिंग एंड बिटर ड्रग्स कैन बी गिवन इन द फॉर्म विदाउट डिफिकल्टीज। बिटर ड्रग्स के लिए एक अच्छा एडवांटेज है। इसके अलावा ये ओल्ड पर्सन और चिल्ड्रन में और जो कि अनकॉन्शियस पेशेंट है उनमें भी जो कि निगल नहीं सकते उनमें भी ये ड्रग्स इजिली दी सकती है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज इसके नुकसान क्या है, तो इरिटेंट ड्रग्स है जो लोकल इरिटेशन कॉज करते हैं उनको इस रूट से नहीं दे सकते हैं। मान लीजिए कि अगर एग्जांपल देखें कि एनल रूट से कोई मेडिसिन देते हैं और उससे वहाँ जलन हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, तो वो दिक्कत होगी। तो इस तरह की मेडिसिन हम अदर रूट से नहीं दे सकते हैं। एब्जॉर्प्शन थ्रू रेक्टम इज इररेगुलर। रेक्टम से एब्जॉर्प्शन जो है इररेगुलर होता है क्योंकि अगर हम ओरल रूट की बात करें तो प्रॉपरली डाइजेस्ट होते ही कोई भी चीज़ और जाती है, फिर मेटाबोलाइज होती है, लीवर में मेटाबोलिज्म होता है, फिर आगे जाकर पूरा जो है प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन फिल्ट्रेशन सारी। लेकिन जो है रेक्टम के केस में एब्जॉर्प्शन इररेगुलर होता है। फिर हम देखते हैं कि ये जो है इनको स्टोर करने के लिए सेल्फ लाइफ की ज़रूरत होती है ताकि इनका सेप डिस्ट्रॉय ना हो। इनकी लीकिंग हो सकती है कैविटी से, मान लीजिए एनल रूट में आपने मेडिसिन रखी तो धीरे धीरे लीक होकर बॉडी कैविटी से बाहर आता रहता है। इसके अलावा दे शुड हैव मैक्सिमम डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ 30 मिनट्स। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सपोजिटरी। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा है लेकिन मैंने समझने के लिए ये चीज़ का नोट्स बना के रखा है। तो रेक्टम सपोजिटरी तो मेनली जो 1 to 2 ग्राम की होती है, लोकल और सिस्टमिक दोनों एक्शन हो सकता है। वजाइनल सपोजिटरी इनको पेस्ट्रीज भी कहते हैं, ये 3.6 ग्राम के नियरली वेट होता है और इनका लोकल एक्शन होता है। नेजल जो सपोजिटरी होती है इन्हें बूबीज भी कहते हैं और 9 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकती है। इसके अलावा यूरेथ्रल सपोजिटरी है, यूरेथ्रल बूबीज है, ये 6 सेंटीमीटर लेंथ में और 2 to 4 ग्राम्स वेट में हो सकती है। इसके अलावा ईयर सपोजिटरी भी सकता है देखी जाती है। फिर हम देखते हैं सपोजिटरी बेस की। तो क्लासिफिकेशन इसका किया गया फैटी बेसिस, वाटर सॉल्युबल बेसिस, ओलियोजिनस बेसिस, इमल्सिफाइंग बेसिस। तो ये रहे सारी डिटेल्स जो है और उम्मीद है कि ये 5 क्वेश्चन जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं इनके नोट्स आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये नोट्स आपको काफ़ी होंगे एग्ज़ाम में पढ़ने के लिए या प्रिपरेशन के लिए। बहुत साफ़ सुथरा नोट्स मैंने बनाया है और इजीली आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पार्ट के लिए वेट करें, अगले पार्ट में मैं नेक्स्ट पार्ट में फिर 5 क्वेश्चन
उसके नोट्स अपलोड करूँगी। तब तक वो वीडियो पसंद आया लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।